अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। यहाँ जो शादी का ब्लॉग था वो अब आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है हमारा नाश्ता। हम सुबह दोबारा से आ गए थे, हम रात को चले गए थे मेहंदी वाले दिन ना, मेहंदी की रात जो हम चले गए थे वापस। अब अभी हम आ गए हैं यहाँ पर, मैं इसको हाई करने बोल रही हूँ, ये नहीं कर रही है। हम यहाँ पर कभी नाश्ता करने के लिए बैठे हैं, तो देखिए आगे की शादी। तो यहाँ पर लड़के को पड़ रही है सलामी, क्योंकि यहाँ पे हो चुकी है शराबबंदी। और यहाँ इसकी दादी, सबसे पहले दादी इसको पैसे से नज़र उतारती हैं और उसके बाद इसको सलामी देती हैं, चुमाती हैं। तो इस तरीके से हमारे ये रिवाज़ हैं, देखिए हमारे रिवाज़ कंटिन्यू। यहाँ पर ना सबसे पहले दादी आई हैं और वही कर रही हैं, अभी इसको सलामी दे रही हैं दूल्हे जी को। और अभी उनके बाद उसके दादू जी आए हैं, दादू जी देंगे। ऐसे पहले पेरेंट्स देते हैं, फिर आगे के जो भी है ना प्रोसेस वो सारे लोग करते हैं, यही सभी देते हैं सलामी जितने लोग वहाँ पर हैं। और यहाँ बारात निकलने की भी तैयारी हो रही थी ना, क्योंकि अब इसके बाद ही बारात निकलेगी, तो हम बारात भी दिखाएंगे कि बारात देखिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे जा रही है। उतने ज़्यादा बैंड बाजा और वगैरह नहीं किया गया था। वैसे हमें कहीं एक शादी और है, हमें वहाँ भी जाना है, मैं वहाँ का भी क्लिप लेके आई हूँ और मैं आपको शायद ज़रूर शेयर करूँगी। आप ज़रूर बने रहिएगा ब्लॉग के एंड तक, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मैं और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरे ब्लॉग्स प्लीज़ देखा करें और पूरा देखा करें। तो यहाँ पर ये लड़के की मम्मी हैं, दूल्हे की मम्मी, तो ये भी इसको ऐसे ही मतलब सलामी दे रही हैं। इसी तरीके से दी जाती है हमारे यहाँ सलामी, ये बहुत ज़रूरी होता है दूल्हे के शादी करने से पहले निकलते हैं ना जब, तब ऐसा करते हैं। उतना ज़्यादा मुझे भी कुछ खास नहीं आता है, जितना इन्होंने किया मैंने उतना ही, जितना बेबी के साथ नहीं कर पाती हूँ। छोटा बच्चा है मेरे पास अभी, तो वो बिल्कुल मेरे बिना भी किसी के पास रहती नहीं, और इतने भीड़ भड़ाके में शूट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैंने जैसे तैसे शूट कर लिया, जितना भी किया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम आ गए हैं यहाँ पर अब बारात में। देखिए हमारी गाड़ी पीछे खड़ी कर दी थी, क्योंकि यहाँ पार्किंग की जगह नहीं थी। तो ये मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरी बेटियाँ हैं, मेरे हस्बैंड है। देखो यहाँ पे इसको तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है रास्ते में, इसका चलना बहुत ही हुआ है। और यहाँ देखो कितना अच्छा था ना, मतलब यहाँ पे कोई सरकारी हॉल है, कोई कृषि विकास केंद्र आई थिंक ऐसा कुछ था, मैंने पढ़ा नहीं कुछ। वही देखो कितना अच्छा था, यहाँ पे सब कुछ लगाए हैं। इतना अच्छा लग रहा था ना, यहाँ से मुझे वापस जाने का मन नहीं कर रहा था। और देखो ये एंट्री है, यहाँ से हो रही है हमारी एंट्री। और यहाँ पर भी ना नींबू के पेड़ लगे थे, इतने सारे नींबू लगे हुए थे ना, फूल नींबू, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर, क्योंकि कभी निकलना ही नहीं बनता है हमारा, इधर आना ही नहीं बनता है। अपने रिश्तेदार कम हैं तो उतने तक ही रह जाते हैं, और इधर आना तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना, जो शादी है तो इधर आ गए हम देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा था, बहुत बढ़िया। यहाँ पे अभी हम सब एंट्री कर रहे थे, सभी एंट्री कर रहे थे, अंदर किसी को जाने की एंट्री थी नहीं, क्योंकि दूल्हे मियाँ रह गए थे पीछे। और यहाँ देखो ये मेरी भाभी है, यहाँ मेरी बेटी बैठी है, अपनी भाभी मेरी भाभी है, ये मेरी भाभी का बेटा है, इसका नाम सिफान, ये मेरी बहन जिससे मैं कल मिलाया था आप लोगों को, सबाना, इसका नाम सबाना है। और ये देखो, इसको देखो मेरी छोटी को, बस ये जो एक प्लेट इसने ली है ना, इसने पूरी जो यहाँ हो
रही है दुल्हन की एंट्री। तो देखिए दुल्हन आ चुकी है। हम तो काफ़ी देर से बैठे थे क्योंकि हम वहाँ उस शादी से हम यहाँ पर बहुत जल्दी आ गए। यहाँ पर अभी कुछ ही लोग आए थे तो हम काफ़ी देर बैठे रहे और अब जाके भीड़ लगने लगी थी। बच्चे मेरे बहुत परेशान हो गए थे, मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं बैठी थी, बस मैंने दुल्हन का ही वेट किया और फिर हम फटाफट यहाँ से निपट के चले गए थे। खाना वाना खाया था हमने तो, वहाँ खाना भी नहीं खाया था तो हमने सोचा यहीं पर खा लेंगे, तो हमने यहीं पर खाना खाया। अभी देखिए दुल्हन की एंट्री हो रही है। ये दुल्हन के मायके, ये दूसरी शादी का क्लिप है, वो क्लिप हमने मैं नहीं ले पाई वहाँ पर क्योंकि हम यहाँ आ गए थे, हमारी दो शादियाँ थी ना एक ही दिन पे, दो शादियाँ थी हमारे रिश्तेदार में। तो हम मैंने ये दूसरी शादी में भी आना था, तो हम मेहंदी और बारात हमने वहाँ की और रिसेप्शन हमने यहाँ पर अटेंड किया। तो देखिए ये लड़की भी दिल्ली से आई है, दिल्ली गई थी, मतलब बारात दिल्ली गई नहीं थी, दिल्ली से ये लोग आए थे, लड़की वाले ही यहाँ पर आ गए थे। तो शादी यहीं पर ही हुई है, इसके जो घर वाले थे वो सभी यहीं आ गए थे, शादी यहीं पर हुई। तो इस तरीके से ही करना पड़ता है, क्या करें, दूर का हो तो फिर जितना हो उतना ही करना पड़ता है। चलिए बढ़िया है। देखिए यहाँ पर अभी ये खड़ गया था, एक जेंट्स पता नहीं कौन था क्या था, खड़ा हो गया, अब हट ही नहीं रहा था वहाँ से क्योंकि अब पीछे लोगों को क्या दिखेगा जब तुम ही खड़े हो जाओगे। तो बहुत बोला तब जाके अभी ये हट रहे होंगे तो हटे। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाई है, पिक्चर वगैरह क्लिक किया और फिर हम यहाँ से निकल गए थे। देखिए ये है दुल्हन, ये है दूल्हा, ये वो दूल्हा नहीं है जो मैंने आपको बारात निकलने के लिए बना के डाली है ना जो वीडियो, इसमें जो पहले, ये दूसरा दूल्हा है क्योंकि ये दूसरी शादी है। हमारे को एक ही दिन में दो शादियाँ थी तो हम यहीं पर आ गए थे। तो क्योंकि बच्चे के साथ मैं ज़्यादा नहीं शूट कर पा रही थी, ये भी मैंने फ़ोन दिया किसी को तो जाके किसी ने शूट किया है क्योंकि ये बहुत तंग कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बच्चा है ना पिस जाता है गोद ही गोद। अब ये नीचे खेलती है ना तो कुरती है, तो अब इसको तो कुरने में मज़ा आता है, ये अब बिल्कुल गोद में नहीं रहना चाहती है। तो इस वजह से मैं बहुत तंग हो गई थी। वैसे इंजॉय तो बहुत किया, बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया, डांस वांस भी किया मेरी दोनों बेटियों ने, तो अच्छा लगा, बढ़िया है, लेकिन थका।